Welcome students, this is a lecture series on Partnership Act 1932. Today we are discussing the difference between partnership and joint family. दोनों में ही क्या difference है, एक partnership में एक joint family, एक joint Hindu joint family में दोनों को हम लोग अलग अलग differentiate करके देखने वाले हैं. इसके पहले के lectures में हम लोगों ने Partnership Act 1932 का origin, introduction, meaning of partnership firm एंड वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनर को डिस्कस किया हुआ है. आज के टॉपिक में हम डिफरेंस देख रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में और ज्वाइंट हिंदू फैमिली में देखेंगे, और डिफरेंस देखेंगे पार्टनरशिप और एक कंपनी जो कंपनी रजिस्टर्ड होती होगी अंडर कंपनी एक्ट 2013, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं. जैसा कि हम लोग ज्वाइंट हिंदू फैमिली के बारे में भी पढ़े हैं कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्या है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है. एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली का कंपोजिशन जैसे देखते हैं कि एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है कि ज्वाइंटनेस को लेकर इंक्लूडिंग अ कॉमन मेल एंसेस्टर अप टू एन नंबर ऑफ जनरेशन देयर लीनियल मेल डिसेंडेंट अनमैरिड डॉटर दे क्रिएट अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली. व्हेन वी टॉक अबाउट ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, वी से ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड वी कैन नॉट कंपेयर इट विद द पार्टनरशिप फर्म. ठीक, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस वो क्रिएट है, एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, कंपोजिशन है जो केवल कहाँ पाया जाता है, इंडिया में पाया जा रहा है. एज द नेम सजेस्ट इट इज द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच ऑल द मेम्बर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इट मीन्स ज्वाइंट हिंदू फैमिली जो मैनेज उसमें करता है प्रॉपर्टी को, कंट्रोल करता है उस बिजनेस को, वो कौन होगा, हेड ऑफ द ज्वाइंट हिंदू फैमिली, द पर्सन इज कर्ता. और कर्ता के बारे में हम लोगों ने इन डिटेल में अपने जो हिंदू लॉ का लेक्चर सीरीज है उसके अंदर हम लोगों ने इसको कवर किया हुआ. हिंदू लॉ के लेक्चर्स में कर्ता के टॉपिक को हम लोगों ने इन डिटेल में पढ़ा है ऑलरेडी. ठीक है, इट इज़ नॉट अ पार्टनरशिप. जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली है वो क्या है, वो पार्टनरशिप नहीं है. वहाँ का जो हेड होता है उसे हम क्या बोलेंगे, कर्ता बोलते हैं. इट इज़ जस्ट लाइक अ पार्टनरशिप वेयर ओनली द मेंबर ऑफ द फैमिली कैन टेक पार्ट. ठीक, यहाँ पे मेंबर्स खाली टेक पार्ट करते हैं, बट वो पार्टनरशिप नहीं होगी. वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 से गवर नहीं होगा. द बिजनेस इज कैरीड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड इट कम्स टू एन एग्जिस्टेंस बाय द ऑपरेशन ऑफ हिंदू लॉ. इट मीन्स कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे पार्टनरशिप एक्ट 1932 से गवर्न ना होकर जो हिंदू लॉ है उससे गवर्न होता है. और ज्वाइंट हिंदू फैमिली का कंपोजिशन कैसे होगा, किस तरीके की प्रॉपर्टी होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी कैसे होते हैं, और कर्ता की क्या राइट एंड ड्यूटीज़ हैं, इन सबको हम लोग अपने हिंदू लॉ के लेक्चर सीरीज में इन डिटेल में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. अब पार्टनरशिप की डेफिनेशन की हम बात करें, पार्टनरशिप क्या है. अ पार्टनरशिप इज एन अरेंजमेंट वेयर पार्टीज नोन एज अ पार्टनर. जहाँ पे जो पार्टनरशिप फर्म में जो अलग अलग इंडिविजुअल मेंबर्स होंगे जो कलेक्टिवली एग्री करते हैं टू मेक एन एग्रीमेंट एंड फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग द प्रॉफिट एंड एक्ट बाय द म्यूचुअल एजेंसी एज पर द सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट. उसमें जो इंडिविजुअल पर्सन हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, पार्टनर्स बोल रहे हैं. और कलेक्टिवली जब वो एक्ट कर रहे हैं, वो जो बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस को जो नाम दे रहे हैं, उस फर्म को नाम दे रहे हैं, उसे हम बोल रहे हैं पार्टनरशिप फर्म नेम बोल रहे हैं. तो क्या हो गया, अ पार्टनरशिप इज एन अरेंजमेंट वेयर द पार्टीज नोन एज अ पार्टनर एग्री टू कोऑपरेट टू एडवांस देयर म्यूचुअल इंटरेस्ट. द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप मे बी इंडिविजुअल बिजनेसेस, इंटरेस्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, गवर्नमेंट एंड कॉम्बिनेशन. फर्स्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ अ पार्टनरशिप, इट इज़ अ एसोसिएशन ऑफ अ टू और मोर पर्सन. ये ऑर्गेनाइजेशन बना रहे बाय द एग्रीमेंट बन रहा है. यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे एक एग्रीमेंट के थ्रू कर रहे और किस ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. कहाँ से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, ये प्रॉफिट जनरेट हो रहा है जो सभी मेंबर्स जो मिलके कलेक्टिवली एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, और उस एग्रीमेंट में ये निश्चित हो रहा है कि वो एक बिजनेस करेंगे, एक ट्रेड करेंगे, एक ऑक्यूपेशन करेंगे, और उस ट्रेड और ऑक्यूपेशन जो भी लाभ आएगा, जो भी प्रॉफिट आएगा, उसको सभी मिलके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. और एक्ट कैसे कर रहे हैं, वो एक्ट कर रहे हैं बाय द म्यूचुअल एजेंसी के थ्रू कर रहे हैं. और जब म्यूचुअल एजेंसी की हम बात करते हैं, म्यूचुअल एजेंसी को अपने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था, इट मींस कि एक पर्सन के एक्ट के लिए हम अदर को भी लायबल ठहराएंगे. इट मींस लेट सपोज अगर एक म्यूचुअल एजेंसी को हम लोग समझे थे ए बी एंड सी, इफ देयर आर 3 पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म एंड ए एक्ट एज एन एजेंट, देन बी एंड सी एक्ट एज अ
प्रिंसिपल, उसी में हो सकता है बी एक्ट एज एन एजेंट, देन ए सी एक्ट एज अ प्रिंसिपल. तो वहां पे म्यूचुअल एजेंसी क्रिएट होना आवश्यक है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप. तो हम डिफरेंस देखते हैं अब कि एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली में और पार्टनरशिप में हम अलग अलग बेसिस पे अलग अलग आधार बना के डिफरेंशिएट कर सकते हैं. अगर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन की बेस पे बात करें, संरचना के आधार पे हम बात करें कि एक संयुक्त हिंदू परिवार, ज्वाइंट हिंदू फैमिली और एक पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस हो सकता है, ठीक है. फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली का क्रिएशन है वो क्रिएशन ऑफ लॉ है. इट अराइजेज आउट ऑफ स्टेटस एंड नॉट आउट ऑफ एन एग्रीमेंट, जैसा कि सेक्शन 5 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट भी कहता है. क्या कि पार्टनरशिप का क्या है, पार्टनरशिप बाय एग्रीमेंट होगी, नॉट फ्रॉम द स्टेटस. वेयर एज ज्वाइंट हिंदू फैमिली का कंपोजिशन कैसे होता है, बाय द स्टेटस होता है, बाय द मेंबर होता है. कोई मेंबर, कोई फैमिली, कोई कंपोजिट फैमिली अलग अलग करके एग्रीमेंट करके एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्रिएट नहीं कर सकती. इट इज एन ऑपरेशन ऑफ लॉ, वो खुद से ही होगा, बाय द स्टेटस होगा. वेयर एज पार्टनरशिप का अगर हम देखते हैं फॉर्मेशन, इट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप arising out of an agreement among the partners. जैसा कि डेफिनेशन सेक्शन 4 में मेंशन हुआ है कि वहाँ पे क्या जरूरी है पार्टनरशिप के लिए, कि एग्रीमेंट होना जरूरी है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है. और कॉन्ट्रैक्ट की कॉम्पिटेंसी की जब हम बात करते हैं तो हम लोगों ने देखा कि पार्टनरशिप का सप्लीमेंटल है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जहाँ पे सेक्शन 10 में स्पेसिफाई किया गया कॉम्पिटेंसी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कि कौन पर्सन सक्षम है, कॉम्पिटेंट है, कैपेसिटी है टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे पार्टनरशिप का जो क्रिएशन होगा, फॉर्मेशन होगा, वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा. इट मींस वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के प्रिंसिपल अप्लीकेबल होंगे. वेयर एज जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली की हम बात कर रहे हैं तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली का क्रिएशन किस पे है, ऑन क्रिएशन ऑफ लॉ पे है, वो स्टेटस है, नॉट बाय द एग्रीमेंट के थ्रू है, ठीक. और अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं, एडमिशन ऑफ अ मेंबर, यानी कि मेंबर को एडमिट आएंगे कैसे, ज्वाइन कैसे होंगे. अगर हम संयुक्त हिंदू परिवार की बात करते हैं, ज्वाइंट हिंदू फैमिली की बात करते हैं, कहते हैं अ पर्सन बिकम द मेंबर ऑफ अ बिजनेस ऑन बीइंग बॉर्न इन दैट फैमिली. क्योंकि ज्वाइंट हिंदू फैमिली में मेंबर कैसे एडमिट हो सकते हैं, एक बाय बर्थ होता है, बाय अडॉप्शन होता है, ठीक, अडॉप्शन के थ्रू हो गया, बर्थ के थ्रू अडॉप्ट हो गए, बाय द बर्थ वहाँ पे राइट आ जाता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली के साथ, वहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं बनता मेंबर बनने के लिए. फेयर है अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, ऑलरेडी ए एन बी सी तीन मेंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर डी एक अनादर पर्सन है उसे उस पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करना है तो वो कैसे एडमिट होगा. कह रहे हैं कि वेन अ न्यू पार्टनर हैज टू बी इंट्रोड्यूस इन अ पार्टनरशिप फर्म, अगर किसी एक नए मेंबर को, एक नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में ऐड करना है तो कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर इज नीडेड, इट इज नेसेसरी एंड मैंडेटरी टू रिक्वायर द परमिशन और कंसेंट ऑफ रिमेनिंग और एग्जिस्टिंग ऑलरेडी जो पार्टनर है उनकी सहमति की आवश्यकता होती है. जबकि संयुक्त हिंदू परिवार में मेंबर्स बनने की किसी की सहमति हो सकता नहीं होती, बाय बर्थ हो गया, अगर एक संयुक्त हिंदू परिवार है, फादर है, ऑलरेडी एक सन है तो एक और सन हो गया, वहां कोई एग्रीमेंट नहीं बनेगा कि एग्रीमेंट के थ्रू हम उस सन को अडॉप्ट करें कि हाँ ज्वाइंट हिंदू फैमिली में बन रहा है. एक्सेप्शन है इसका कि अडॉप्शन एक है कि अडॉप्शन के थ्रू भी जो अडॉप्टेड चाइल्ड आ रहा है वो सेम इक्वल स्टेटस पे होता है जैसे कि एक बायोलॉजिकल, एक नेचुरल सन होता है, नेचुरल चाइल्ड होता है, एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली में होता है. इज इट क्लियर. तो देखा एडमिशन ऑफ मेंबर के बेस पे दोनों में डिफरेंशिएट कैसे है, संयुक्त हिंदू परिवार में एडमिशन कैसे होगा, बीइंग द बॉर्न, जब जन्म हो गया परिवार में वैसे ही वो मेंबर बन जाएगा. जबकि पार्टनरशिप में नए मेंबर को आने के लिए जो रिमेनिंग, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे उनकी हमें सहमति की आवश्यकता होती है, उनकी कंसेंट की आवश्यकता हमें पड़ती है. अगर हम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें कि संयुक्त हिंदू परिवार में कितने मेंबर्स होते हैं और पार्टनरशिप में कितने मेंबर्स होते हैं, जैसा कि संयुक्त हिंदू परिवार ज्वाइंट हिंदू फैमिली का कंपोजिशन में देखा था हम लोगों ने, अप टू एन नंबर ऑफ जनरेशन तक मेंबर को इंक्लूड करते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली में, ठीक. तो यहाँ पे देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है ऑफ अ मेंबर इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली, कोई लिमिट नहीं बताएगी इतने मेंबर फर्स्ट जनरेशन, टू जनरेशन, थ्री जनरेशन तक
एक मेंबर को हम ज्वाइंट इन द फैमिली मानेंगे अप टू एन नंबर ऑफ जनरेशन के, जैसे कि फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, अप टू एन नंबर ऑफ जनरेशन तक हमारे किसमें आएंगे, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में आएंगे। वेयर एज जब हम पार्टनरशिप की हम बात कर रहे हैं तो द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर इज 10 फॉर बैंकिंग बिजनेस। अगर बैंकिंग बिजनेस फॉर जो पार्टनरशिप फर्म है उसका नेचर कैसा है, बैंकिंग बिजनेस का है, वो बिजनेस कैसा कर रही है फर्म, बैंकिंग नेचर का है, तो उसमें मैक्सिमम नंबर कितने हैं, 10 होते हैं, और 20 फॉर एनी अदर बिजनेस। यहाँ पे एक लिमिटेशन बताई गई है मेंबर्स के लिए, जबकि संयुक्त हिंदू परिवार में कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। इस तरीके से अगर हम फॉर्मेशन, एडमिशन ऑफ अ मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर्स के बेस पे हम लोगों ने देखा कि एक संयुक्त हिंदू परिवार में और पार्टनरशिप में क्या डिफ्रेंशिएट है। देन हम बात करें अगर फीमेल मेंबर की, तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली में जैसे कि अभी हम लोग देखा था ज्वाइंट हिंदू फैमिली में जो अनमैरिड डॉटर होती थी सिर्फ उसी को मेंबर माना गया। बाद में अगर हम कोपासनरी का कॉन्सेप्ट ज्वाइंट हिंदू फैमिली में देखते हैं, नाउ आफ्टर द अमेंडमेंट हिंदू सक्सेशन एक्ट इन द ईयर 2005, फ्रॉम द डेट ऑफ 9th सितंबर 2005 डॉटर इज ऑल्सो अ कोपासनर, ठीक, वो मेंबर हो सकती है, ठीक है। बट वुमेन आर अलाउड टू बिकम अ मेंबर, ये हुआ पार्टनरशिप में, बट अर्लियर क्या था, वीमेन कैन नॉट बी मेंबर ऑफ अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली फॉर बाय द बर्थ, बाय बर्थ नहीं होती है, ठीक, जबकि पार्टनरशिप में ये बाय बर्थ भी रहता है, एक वीमेन है, एक वीमेन भी पार्टनर बन सकती है, मेंबर बन सकती है पार्टनरशिप में, और ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर हम इसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। वेन वी टॉक अबाउट माइनर मेंबर के लिए, माइनर मेंबर की क्या कैपेसिटी होती है, तो अ माइनर कैन बिकम अ मेंबर ऑफ अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली फर्म बाय वर्चू ऑफ हिज बर्थ, जैसे क्योंकि हम जानते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली में एज पर द मिताक्षर लॉ ऑफ स्कूल एक बच्चे का जन्म हुआ, एक चाइल्ड का जन्म हुआ, तो उसे बाय बर्थ वहाँ राइट जनरेट हो जाता है बींग अ कोपार्टनर। बट पार्टनरशिप फर्म में एक माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड इन टू अ फर्म, उसे एक कंप्लीट पार्टनर नहीं मानेंगे अंडर सेक्शन 30 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, ही कैन बी एडमिटेड बट फॉर द बेनिफिट ऑफ द शेयरिंग ऑफ बेनिफिट, बेनिफिट के लिए, शेयर के लिए, प्रॉफिट के लिए उसे हम एडमिट कर सकते हैं, बट एज अ कंप्लीट पार्टनर माइनर को नहीं एडमिट किया जाता है। हाँ, वो माइनर वो बिकम अ पार्टनर, पार्टनर बन सकता है, बट कब, एट द अटेनिंग ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी, जब वो मेजॉरिटी की एज पे आएगा, 18 ईयर्स होगा, मेजर हो जाएगा, देन उसे वो पार्टनर एडमिट होगा। बट माइनर जब तक वो है 18 साल के नीचे है तब तक वो एक पार्टनरशिप फर्म में वो मेंबर नहीं बन सकता है, और जब वो एडमिट हो जाएगा वो उस डेट को माना जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मानते हैं, लेट्स सपोज जिस माइनर की एज में जिस भी ईयर में जिस भी डेट को वो एडमिट हुआ फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, उस डेट से वो माना जाएगा उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है। बट इन जनरल क्या है, माइनर कैन नॉट बी अ एडमिटेड एज अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म और इन अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली, माइनर बीइंग अ कोपार्टनर इज अ मेंबर ऑफ अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली। व्हेन वी टॉक अबाउट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, दायित्व का अगर हम बात करते हैं, लाइबिलिटी की बेस पे बात करते हैं डिफ्रेंशिएट, तो जो लाइबिलिटी ऑफ अ कर्ता, क्योंकि कर्ता ही होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली में, है जो सोल मैनेजर होता है, रिप्रेजेंट करता है एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली के रिलीजियस, सोशल एंड लीगल मैटर्स का रिप्रेजेंटेशन करता है, और मैनेजमेंट की जो पावर होती है कर्ता के पास ज्वाइंट हिंदू फैमिली में, दैट इज एब्सोल्यूट पावर, उसके पास एब्सोल्यूट पावर होती है। तो जो लाइबिलिटी की हम जब बात कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी किस पे स्पेस होती है ज्वाइंट हिंदू फैमिली में, लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड होती है, एंड ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ द लाइबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन अ बिजनेस। तो जितने अदर मेंबर होते हैं वो कहाँ तक होते हैं, लिमिटेड होते हैं, जितना उनका शेयर है ज्वाइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी में। बट कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उसके पास बहुत सारी मल्टीफेरियस लाइबिलिटी होती है, लाइक द मेंटेनेंस ऑफ द डिपेंडेंट्स हो गया, मेंटेनेंस ऑफ द मैरिज ऑफ डॉटर्स हो गया, तो बहुत सारी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज अराइज हो जाती है ऑन द उसके ऊपर, कर्ता के ऊपर, ठीक है। बट जितने अदर मेंबर हैं उनका कितना होगा, जितना का शेयर है उस एक्सटेंट तक, उस लिमिट तक वो लाइबल होते हैं। वेयर एज हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें, तो यहाँ पे भी जो लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स होती है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। एक डिसएडवांटेज था हमारे पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, इसी को रिमूवल करने के लिए, इसी डिमेरिट को रिमूव करने के लिए वन ऑफ द रीजन था जो हमारा 2008 में कहता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, जिसे बोलते हैं LLP, 2008 में आता है हमारे पास लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जितने भी पार्टनर्स हम लोगों ने देखे हैं वहाँ पर जो लाइबिलिटीज आएगी पार्टनर्स की, वो ज्वाइंटली लाइबल भी हो सकते हैं और इंडिविजुअली लाइबल भी होते हैं फॉर द एक्ट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म के लिए, एज पर सेक्शन 25 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट।
देन वी टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का कैसे मैनेजमेंट होता है, जैसे कि बताया कर्ता के पास जो मैनेजमेंट की पावर होती है वो एब्सोल्यूट पावर होती है. तो द हेड ऑफ द फैमिली, द हेड ऑफ द फैमिली मीन्स द कर्ता, एक्सरसाइज द फुल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस. जो फैमिली बिजनेस का अफेयर होगा उसके ऊपर पूरा कंट्रोल किसका होता है, कर्ता का होता है. द अदर मेंबर्स कैन नॉट इंटरफेयर इन टू द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, अदर मेंबर का उसमें इंटरफेयरेंस नहीं होगा, हेड ऑफ द फैमिली वही मैनेज करेगा उस चीज को. वेयर एज इन पार्टनरशिप में क्या है, पार्टनरशिप में एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन अ कंडक्ट एंड द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म बिजनेस. जैसे कि पार्टनरशिप में हम लोगों ने पढ़ा था पार्टनरशिप की डेफिनेशन में ही, पार्टनरशिप पार्टनर्स जो होंगे वो कैसे एक्ट करेंगे, बाय म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी के द्वारा करेंगे. यानी कि हम एक पार्टनर के एक्ट के लिए दूसरों को भी लायबल ठहरा सकते हैं, लायबिलिटी अराइज होती है, म्यूचुअल एजेंसी काम करता है. इसी म्यूचुअल एजेंसी की बात की गई थी, वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट था वो कॉक्स वर्सेस हिगमैन, जिसमें डिसाइड किया गया कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट द फाइनल टेस्ट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फाइनल टेस्ट इज म्यूचुअल एजेंसी. म्यूचुअल एजेंसी जो होगी तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं. क्यों, क्योंकि एक्सेप्शन भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं एज पर सेक्शन 6 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, जहाँ पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो होगा कुछ मेंबर्स में, बट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट वी कैन नॉट से दैट दे आर द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, की वो सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के बेस पे ये नहीं कहा जाएगा कि वो उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं. ठीक, फिर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेथ ऑफ मेंबर. अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है ज्वाइंट हिंदू फैमिली में या पार्टनरशिप फर्म में, उसका क्या इफेक्ट होगा, उस पर क्या डिफरेंशिएट आएगा, उसमें क्या अंतर आ जाएगा. तो अगर एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली फर्म है, ठीक है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली के मेंबर्स हैं वो, उन्होंने कोई बिजनेस करा, ज्वाइंट फैमिली बिजनेस है, तो अगर इज नॉट डिजॉल्व, वो डिजॉल्व नहीं होगी ऑन द डेथ ऑफ द कोपार्टनर. अगर कोई कोपार्टनर डेथ हो गई तो उसके बाद जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होगा वो बिकम द कर्ता और वो काम उस फैमिली बिजनेस को कैरी ऑन करेगा. ठीक है, तो वो डिजॉल्व नहीं होगा वो बिजनेस, वो फर्म डिजॉल्व नहीं होगी. वेयर एज इन अ पार्टनरशिप में क्या होता है, अ पार्टनरशिप सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन, अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दिया गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करेगा. बिटवीन द पार्टनर इज डिसॉल्व, वो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर. अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया कि डेथ होने पर पार्टनर डिसॉल्व नहीं होगी, तो नहीं होंगे, तो जो रिमेनिंग एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे वो पार्टनरशिप फर्म को कैरी ऑन करेंगे. बट अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं किया गया, कोई कंडीशन नहीं रखी गई, देन क्या कंडीशन अराइज हो जाएगी, वो पार्टनरशिप फर्म क्या होगी, डिसॉल्व हो जाएगी ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर. देन द लास्ट वन डिफरेंशिएट बिटवीन जॉइनिंग द फैमिली एंड पार्टनरशिप, गवर्निंग लॉस. ऑब्वियस ये बात है, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्न बाय द हिंदू लॉ, वो हिंदू लॉ से गवर्न होगा, पर्सनल लॉ से गवर्न होगा. ठीक है, और पर्सनल लॉ का नेचर कैसा होता है, इट इज़ नॉट अ लेक्स लॉ की. पर्सनल लॉ के लिए बोला जाता है पर्सनल लॉ कैरीज विद द पर्सन, जहाँ जहाँ पर्सन है उस पर्टिकुलर रिलीजन का जाएगा उसके साथ उसके पर्सनल लॉ भी कैरी ऑन होते हैं. वेयर एज पार्टनरशिप की हम बात करें तो अ पार्टनरशिप इज गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ठीक, तो दीज आर सम डिफरेंशिएशन बिटवीन ज्वाइंट हिंदू फैमिली एंड अ पार्टनरशिप. देखने में तो लगेंगे कि एक ही हैं, बट दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है. ये हम लोगों ने अलग अलग ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैटेगरी हम लोगों ने देखा कि एक ज्वाइंट फैमिली बिजनेस, एक पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म में दोनों में अलग अलग अंतर है, दोनों में अलग अलग डिफरेंस है, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट नहीं है, और दोनों के लॉज भी अलग अलग हैं. ज्वाइंट हिंदू फैमिली हिंदू लॉ से गवर्न करेगा, वेयर एज पार्टनरशिप होगा वो पार्टनरशिप एक्ट से गवर्न करेगा. नाउ वी सी द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड अ कंपनी, क्या दोनों में, क्या दोनों एक ही चीज़ होती है कि दोनों अलग अलग चीज़ें, कि दोनों के लिए लॉज अलग अलग कौन कौन से हैं. जब बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप और कंपनी की बात करते हैं, ऑब्वियसली बात है पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप, उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक एक्ट है, गवर्निंग एक्ट है. वो कौन सा एक्ट है हमारे पास, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. वेयर एज हमारे पास कंपनीज एक्ट होती है, कंपनी रजिस्टर्ड होती है, कंपनी बनती है. जो पहले एक्ट हमारे पास था कंपनीज एक्ट 1956 था, बट आफ्टर अमेंडमेंट इन द ईयर 2013 नाउ द कंपनीज एक्ट 2030. तो कंपनी जो रजिस्टर्ड होगी वो कंपनी जो पे जो रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई होगा वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होगा, 2013 के एक्ट के अनुसार होगा. और जो पार्टनरशिप है वो किससे गवर्न होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग गवर्न होगा.
यहाँ पे भी कुछ हमारे अलग अलग बेसिस देखेंगे, उस बेसिस पे हम लोगों ने दोनों में डिफ्रेंशिएट देखेंगे। अगर हम लीगैलिटी की बात पे बात करते हैं, ठीक है, लीगल लीगल उसका क्या है, विधिक क्या है, अस्तित्व क्या है, अस्तित्व में कैसे आएगा, अगर उसकी बात करें तो जो कंपनी हो सॉरी कंपनी जो है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इट मीन्स क्या है, कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, इट कंपनी हैज एक कॉर्पोरेट लीगल डिस्टिंक्ट एंटिटी, उसके अपने आप में लीगल एंटिटी है, कॉमन सील होगी, इनहेरिट करने की कैपेसिटी है उसके पास। इट मीन्स कंपनी का अपना एक अलग लीगल एंटिटी है, अगर कोई कंपनी है सच एंड एक्स वाई नाम की कंपनी है तो उसका एक लीगल एंटिटी है, कंपनी एक्स एंड वाई की अलग आएगी और उसके जो मेंबर्स होंगे, उसके जो शेयर होल्डर होंगे उनकी अलग एक एंटिटी होगी। इट मीन्स कंपनी को बोला था कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। इसमें कंपनीज लॉ में एक केस पढ़ते हैं, सोलेमन वर्सेस सोलेमन का केस भी पढ़ा जाता है, इसके डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी के बारे में जब पढ़ते हैं। वेयर एज हम जब पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप लिए बोला था पार्टनरशिप इज नॉट अ लीगल पर्सन। पार्टनरशिप लीगल नहीं, पार्टनर्स वो लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन हो सकते हैं, नेचुरल पर्सन हो सकते हैं, बट पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ लीगल पर्सन। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप में पार्टनरशिप फर्म को और पार्टनर को दोनों को एक ही समझा जाता है, एक ही माना जाता है, डीम टू बी एक माना जाता है, उन्हें अलग अलग स्टेटस में नहीं रखा गया है। वेयर एज कंपनी के लिए एक अलग लीगल डिस्ट्रिक्ट एंटिटी होती है जिसकी वजह से एक कॉमन सील होती है, कॉरपोरेशन होता है, जबकि पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप की एक डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी नहीं होती है, पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों को एक ही स्टेटस होता है, एक ही लीगल एंटिटी होती है, दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लीगल एंटिटी की बात हम कर रहे हैं जो कंपनी की, तो दूसरा हमारा जो डिफरेंशिएट मिलता है परपिचुअल सक्सेशन के लिए, कंपनी हैज अ परपिचुअल सक्सेशन, कंपनी की डिसॉल्व नहीं होगी, कंपनी के मेंबर्स आएंगे जाएंगे, डायरेक्टर आएगा चेंज होता जाएगा, कंपनी वहीं की वहीं अस्तित्व में रहेगी, परपिचुअली शाश्वत समय के लिए होगी, अन नंबर ऑफ टाइम के लिए रहेगी। ठीक है, कंपनी डिसॉल्व नहीं होने वाली, उसके मेंबर्स आते जाएंगे, डायरेक्टर चेंज होते जाएंगे, मैनेजर चेंज होते जाएंगे। वेयर एज पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप फर्म डज नॉट हैव अ परपिचुअल सक्सेशन। पार्टनरशिप में क्या हुआ, पार्टनर गए, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई, वो खत्म हो जाएगी, उसका परपिचुअल सक्सेशन नहीं होता है। जब हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो कंपनी इज क्रिएटेड बाय द रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी एक्ट, कंपनी में रजिस्टर्ड हम कंपनीज एक्ट 2013 में क्या करेंगे, कंपनी को रजिस्टर्ड करेंगे। बट फॉर अ पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी, जैसा कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा था कि अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन को हम लोगों क्या रखा है, ऑप्शनल रखा गया, वहाँ पे ऑब्लिगेटरी नहीं है, इट इज़ गाइडेड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट। ठीक, वहाँ पे लिखा गया, तभी वो सेक्शन 69 ऑफ जो पार्टनरशिप एक्ट था जो बता रहा है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं हुई तो उसका लीगल इफेक्ट क्या होगा, वो सेक्शन 69 था और वो इस वॉलेंटरली है, ऑप्शनल है, इसीलिए जो सेक्शन 69 का था जो इन्फोर्समेंट डेट थी वो पार्टनरशिप एक्ट के इन्फोर्समेंट डेट के एक साल के बाद के आई, उस डेट के साथ इन्फोर्स नहीं हुआ, वो उसके एक साल बाद, वो एक लौता सेक्शन था सेक्शन 69 जो एक साल बाद इन्फोर्स में आता है, कि जिन लोगों को, जिन पार्टनर्स को अपनी पार्टनरशिप रजिस्टर करनी है वो वॉलेंटरली है, वो एक विदिन अवर नहीं है, उस पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करा ले। वेयर एज कंपनी का क्या है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है, वो कहाँ होता है, कंपनीज एक्ट में होता है। देन हम बात करें अगर मेंबर्स ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी और पार्टनरशिप फर्म, देन हम देखते हैं कि कंपनी में क्या होता है, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो देयर शैल हैव एटलीस्ट 2 मेंबर एंड मैक्सिमम 50 मेंबर होने चाहिए, और पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म शैल हैव एटलीस्ट 2 मेंबर एंड मैक्सिमम 20 मेंबर, एंड फॉर नॉन बैंकिंग के लिए मैक्सिमम 10 मेंबर। ये एक स्टैटिक नॉलेज हो गई, दोनों नंबर के बेस में भी दोनों में डिफरेंस देखने को हमें मिल जाता है। फिर हम बात लाइबिलिटी की बात करते हैं, दायित्व की हम बात करते हैं, तो इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर कैन बी लिमिटेड बाय द शेयर और बाय गारंटी, वहाँ लिमिटेड किया जा सकता है, लिमिटेड कंपनी में किसके द्वारा, बाय शेयर्स के द्वारा और बाय लिमिटेशंस के द्वारा किया जा सकता है। जबकि हम पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ते हैं जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनर्स की जो लायबिलिटी वो अनलिमिटेड है एज पर सेक्शन 21। वहाँ पार्टनर्स कैसे लायबल हैं, ज्वाइंटली लायबल भी हैं और इंडिविजुअली लायबल हैं फॉर द एक्ट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म के लिए होते हैं, और इन्हीं पार्टनरशिप को लाइबिलिटी को अनलिमिटेड लाइबिलिटी को लिमिटेड करने के लिए, जैसे कि बार बार हम लोग देख रहे हैं, एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है हमारे पास इन द ईयर 2002 LLP एक्ट से बोलते हैं। ठीक है,
फिर देखते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर के बेस पे क्या डिफरेंस होता है। तो जो कंपनीज में है, कंपनी में शेयर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो शेयर होता है कैन बी ट्रांसफर्ड विद द केसेस, उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, पार्टनर कैन ट्रांसफर इज शेयर, पार्टनरशिप फर्म में ट्रांसफर करेंगे, शेयर को भी वहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा, बट द असाइनी डज नॉट बिकम अ पार्टनर। जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है वो पार्टनर नहीं बन जाएगा, उसमें अदर पार्टनर्स की भी कंसेंट की, परमिशन की जरूरत पड़ती है। ही इज ऑनली, जिसको वो ट्रांसफर किया जा रहा है, ही इज ऑनली इंटाइटल टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो सिर्फ जो शेयर किया गया उसको प्रॉफिट को इंटाइटल होगा, ना कि वो पार्टनर बन जाएगा। फिर बात करें अगर हम विघटन या डिसोल्यूशन की बात करें कि कंपनी का एक विघटन या डिसोल्यूशन कैसे होता है, तो एक सिंगल मेंबर कैन नॉट वाइंड अप अ कंपनी, एक सिंगल मेंबर है कोई, वो कंपनी को वाइंड अप नहीं करेगा, अगर वो चला गया तो कंपनी खत्म नहीं हो जाएगी, खत्म वो कंपनी डिसॉल्व नहीं हो जाएगी। जब एक पार्टनरशिप फर्म है सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं किया गया तो अ पार्टनरशिप मे बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर एट एनी टाइम, पार्टनरशिप एट विल की बात करी, या कोई टाइम में कोई ऑब्जेक्ट रखा गया उसके बाद तो पूरी हो गई तो पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाएगी। बाद में हो सकता है जो रिमेनिंग पार्टनर है वो एक अलग पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर ले, बट वहाँ पे पार्टनरशिप फर्म एक सिंगल पर्सन क्या कर सकता है, डिसॉल्व करा सकता है उस पार्टनरशिप फर्म को कर सकता है। देन करते हैं एक्ट की हम बात करते हैं, बाइंडिंग बाय एक्ट, तो मेंबर्स कैन नॉट बाइंड द कंपनी बाय हिज एक्ट, तो मेंबर जो है कंपनी को बाइंड नहीं कर सकते, जो लाइबिलिटी वाली बात यहाँ पे की जा रही है दोबारा। वेयर इज इन पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर कैन बाइंड फर्म बाय हिज एक्ट, क्योंकि जितने लाइबिलिटी की बात करते हैं ऑन पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन 25, 26 and 27 कि पार्टनर्स के एक्ट के लिए फर्म लाइबल होगी और फर्म के एक्ट के लिए पार्टनर्स भी लाइबल होते हैं। इस तरीके से हम देखने को मिलता है कि कंपनी और एक पार्टनरशिप दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों में अलग अलग लॉस गवर्न होते हैं, दोनों को एक चीज नहीं होती है। ठीक, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है अंडर कंपनीज एक्ट में, वहाँ पे लाइबिलिटी लिमिटेड भी होती है, जबकि पार्टनरशिप एक्ट में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन हमारे पास ऑप्शनल रखा गया था और अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर थी। और इस तरीके से एक पार्टनरशिप एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, दोनों अलग अलग लॉस से गवर्न होते हैं, दोनों की अलग अलग एंटिटी होती है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा कि पार्टनरशिप को और पार्टनरशिप फर्म को दो अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली और एक कंपनी, दोनों में अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके इसको समझा है। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन वाइज आगे चलेंगे और क्वेश्चन वाइज डिस्कशन करते चलेंगे कि डिटरमिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, राइट्स ऑफ पार्टनर, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, इन सबको आने लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।